once again, welcome back to our channel. कैसे आप सब लोग, आई होप कि बहुत ही अच्छे हैं। ये बोलने का टाइम एक महीने के बाद आया मुझे, वरना कब स्टार्ट करती थी व्लॉग, कब खत्म करती थी पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ पे आदि को लेके आ गई हूँ मैं स्कूल से। इतना चैटरबॉक्स हो गया है ना, आधे घंटे तक मुझे बातचीत करता रहा मुझसे। सारा कुछ वो अपना जो मटेरियल आता है स्टडी का वो लेके आया है, पेपर वगैरह सब कुछ दिखा रहा था। तो माँ बेटे बैठ के शांति से कार में ना एंजॉय कर रहे थे। बस अभी घर पे जाएंगे, फिर काम 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 होगा। और आदि को आज तो स्टडी करवाने में आएगा, है ना आदि? व्हाट डिड यू लर्न टुडे? It's all about animals. Mm-hmm. I'll show you the name of it inside. Okay, चलो, let's go inside. Okay. जैसे कि बोला था कि रोटी नहीं बनाएंगे, पर फिर भी थोड़ी बच्चों के लिए बनानी ही है। तो यहाँ पे रोटी बन रही है और यहाँ पे बन रहा है कोरजेट मेथी की सब्जी। किसने बनाई है पहले प्लीज कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, पर बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट किया मैंने। तो यहाँ पे हमारी नई रेसिपी वाली सब्जी तैयार है, कोरजेट और मेथी की सब्जी। आज का हमारा डिनर जो है वो हो रहा है गार्डन में। अंदर से देख रही थी ना तो मुझे धूप दिखाई दी, तो सोचा कि बाहर डिनर करते हैं। यहाँ आने के बाद इतना विंडी हो गया है ना शिव। क्यों लगे शाक सारू जे फैन छे आदि तने भाई वो बो तुमने सारू। चलो डिनर करते हैं। हां हे I've known from the start your state of the art, from your vintage shoes to your cool tattoos, but you're still yearning for something, you're still burning and wanting out of the fray and into the day of eternity. Only you and me, we both walked away from nothing to say, where all hope's been used, nobody sees the truth. Of course we're yearning for something, yeah we're still burning and wanting. When this battle is over and when our very much older but jaded and deep. तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग में हो रही है प्रेयर माँ बेटे दोनों। वाह आदि, गुड बॉय आदि, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि बहुत ही अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग क्या बताना? गुड मॉर्निंग। रेडी टू गो स्कूल? हाँ। उसको हेयर स्टाइल का भी बहुत शौक चढ़ा है, देखो हर रोज नई नई हेयर स्टाइल करता रहता है। चांदलो चांदलो का जो अतंत लौट निकली। यू वांट टू व्हाट यू वांट? यस बोलो आन चांदलो करवा से। And everybody thinks, what is that for? For JJ. It's JJ's blessing, isn't it? Wow! उसको मजा आ जाता है, चैनल बहुत पसंद है। आपको करना है? नहीं, अभी मुझे तो शावर लेना भी बाकी है। तो गुड मॉर्निंग में निकल गए हैं हम लोग बाहर, क्योंकि घर पे अब मज़ा नहीं आ रहा था। घर ना पूरा खाली खाली लग रहा था, तो सोचा कि थोड़ा बहुत वॉक करके आ जाए तो थोड़ा मन बहल जाएगा। क्या लगता है आपको? हाँ, एक महीना बजे जोड़े था। चार दिवस लाग से थोड़ा खाली खाली, उसके बाद रेगुलर हो जाएंगे। हाँ, तो वहाँ इंडिया भी मम्मी बहुत मिस कर रही है, सब लोगों को बोल रही थी कि इतने टाइम तक सब लोग साथ में थे तो मज़ा आ रहा था देखने को, पर
सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो ही जाते हैं, तो हो ही गए हैं अभी से सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी। और यहाँ पे चेरी भी आना स्टार्ट हो गई है, मैं आगे दिखाती हूँ। कल वॉक करने आई नहीं, अब तभी वीडियो नहीं लिया था, पर बहुत सारी चेरी आ गई है। थोड़ी थोड़ी पक्की है, थोड़ी थोड़ी कच्ची भी है। देखो ये सारी की सारी कच्ची है। और ये है पैर का ट्री, तो इसमें भी पैर बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे तो आ ही गए हैं। और थोड़े से आगे जाए तो हाँ वहाँ पे आगे है ना पक्की सारी। एकदम पक्की नहीं है फिर भी। हाँ कल आई थी तो बहुत सारी थी, ले गए कोई पता नहीं, लगता है बच्चे थे ना। तो यहाँ पे देखो ये ट्री में ही बड़ी बड़ी है, देखा इसमें देखो इतनी बड़ी बड़ी आ जाएगी। इस ट्री में छोटी छोटी है, आमा जो मोटे छे जो वहाँ पे है देखो। ये गड़ी ना थी। तो हम लोगों के घर के सामने ना ये बहुत अच्छा है कि चेरी का और पैर का ट्री लगता है। एप्पल का भी ट्री है आगे है थोड़ा, तो उसमें एप्पल बहुत अच्छे आते हैं स्वीट एकदम। चेरी देखने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने से। तो बोट तो इतनी ज़्यादा देखी, स्कॉटलैंड में भी इतनी ज़्यादा देखी, हमारे घर के सामने भी इतनी ज़्यादा देखी। वो लोग आए ना इंडिया से तो सभी जगहों पे बोट ही दिखाई दी थी ज़्यादा, तो बोट दिखाई दी, डकी ज़्यादा दिखाई दी और घड़िया दिखाई दी। मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया था, पर वो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं। मैंने अभी ऐसा कभी नोटिस किया नहीं था। वैसे आपने किया था पहले कि सभी जगह पे हाँ घड़ी दिखाई दे रही है और डकी दिख रही है। हाँ। पर ये बोट वाला एक्सपीरियंस तो एक बार करना है गिरीश हमें। केनाल का? हाँ एक बार हायर करेंगे। हाँ है ना, यहाँ पर है, दो तीन जगह पर है। अच्छा जहाँ से आप हायर कर सकते हो। हाँ देखिए ऐसे वो नहीं दे सकते हो के? आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं भी ऐसा कुछ होगा, आपको ऑपरेट करने आनी चाहिए ना सब कुछ। हाँ पर इतनी पतली सी होती है ना कैनाल, बहुत वो नहीं है। यहाँ पर एक साथ दो बोट खड़ी रह सकती है। हाँ मैंने एक दफा देखा था, दो बोट साथ आई थी ना, यहाँ पर दो एक साथ खड़ी थी। हाँ तो इसी तरह से आती जाती रहती है हमारे घर के एग्जिट सामने। देखो ये यहाँ पे हमारा घर है, वहाँ से यहाँ दिखते हैं। अभी ब्रांड न्यू है बोट। हाँ न्यू है। तो अभी घर पे आने के बाद ये काम मुझे करना था, ये देख लीजिए, ये सारा कुछ क्लीन करना है। बाहर देखे ना तो पहले वही दिखाई देता है, बाहर की ब्यूटी दिखाई बाद में देती है। तो ये सारे कांच वाच क्लीन कर लेते हैं अभी। आज वैसे बहुत ठंडी है बाहर, सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं समर के बारे में कि कब आने वाला है, कब आने वाला है। इतना खराब समर पहले कभी नहीं आया। बेस्ट समर कब आया था? लॉकडाउन में। इतना ब्यूटीफुल था ना वेदर कि बात ही मत पूछो। तभी धूप को ऐसा होता था कि बस अभी बंद हो जाए। अभी तो पता नहीं कब आने वाली है समर। तो सच बताओ ना तो मेरे प्लांट्स तो थोड़े बहुत भी हुए हैं। अंकल को बहुत ज्यादा शौक है, अंकल आंटी बाजू में रहते हैं ना उनको, पर अंकल के ना प्लांट्स ही नहीं ग्रो हो रहे हैं। अंकल इतने मूडलेस हो जाते हैं ना, क्योंकि बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत करे उसके बाद कुछ भी ना उगे तो कैसा फील होता है वो मुझे पूछो। उसको जो ग्रो किया होता है ना, ग्रो होता है तो बहुत अच्छा मूड रहता है। तो इसी तरह से हम क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो फार्मर लोग होते हैं उनको ज़्यादा बारिश हो गई या फिर बारिश ही नहीं हुई तो क्या होता होगा, पर यहाँ पे तो हम थोड़ा थोड़ा बोते हैं फिर भी ऐसा फील होता है कि यार काश थोड़ी धूप आ जाए। तो ये जो थोड़ा बहुत टमाटर वगैरह या फ्लावर वगैरह कुछ तो बोया है तो वो सब कुछ ठीक से हो जाए। ये देखिए बड़े बड़े तो हो गए हैं प्लांट वैसे, पर क्या है कि अच्छी सी धूप आए ना तो कुछ काम का है। और मेरी एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी ज़्यादा ही होती है टमाटर वगैरह, इसीलिए मैंने ग्रो किए कि जो डुमस के हमारे टमाटर के भजिया वगैरह बनते हैं ना तो वो ऑर्गेनिक स्टाइल में मुझे बनाना था। इसीलिए मेथी भी यहाँ पे मैंने उगा दी, सारी टाइप के भजिया मुझे बनाना है गार्डन से ही सब कुछ यूज़ करके। क्योंकि हमारा गार्लिक भी देख लीजिए सूख गया है, पर सारा मैं अभी काट लूँगी, देख लीजिए कितना मस्त हो गया है बड़ा बड़ा, तो वो भी काट लूँगी ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है गार्डन की चीज़ें यूज़ करके हम भजिया बनाएं। एक बार कथा को भी खाना है तो बुलाएंगे उसको। और अभी अगर गिरीश जब भी फ्री हुए ना तो फेंसिंग के ऊपर जो ये होता है ना ये डैमेज हो गया है, वीडियो में भी बहुत गंदा लग रहा है। और बाहर अगर हम लोग हॉल में से देख रहे हैं ना तो ये हाईलाइट होता है ना, तो वही मुझे नहीं पसंद है। तो एज सून एज पॉसिबल ये काम मुझे करना है अभी इस बार। तो बस अभी ये काम जल्दी से जल्दी मैं शुरू करने वाली हूँ गिरीश के साथ मिलके, अगर जब भी अच्छी धूप आई तभी। एनीवे अभी जो वीडियो का एंड कर देती हूँ,
कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि और क्या नया देखना चाहते हैं, तो हम लोग अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज में वो सब कुछ अंदर ला पाए।